दुनिया में महापुरुष आते हैं। मानुष जनों की बढ़ाई वो जानकर लोगों को पेश करते हैं कि इसकी वैल्यूज ऑफ लाइफ क्या है, कौन सी चीज इसमें कीमती है। जरूरी तो एक दूसरे के लिए सब कुछ है, मैं कौन सी ज्यादा कीमती चीज है और कौन सी सेकेंडरी चीज है। सिप है, सिप अपनी जगह है और मोती अपनी जगह। सिप की कीमत मोती से है, और मोती ना हो तो कचकड़ा। इसी तरह ये इंसान की कीमत क्या, इसकी शान, इसकी कीमत इसकी आत्मा से है जो इसको चला रहा है। ये जिस्म है, जब से चलाने वाला निकल जाता है तो ये क्या है, एक मिट्टी का ढेर है। मशीनरी वैसी एज इट इज इन कॉन्टेक्ट, मगर चलाने वाला निकल गया। और चलाने वाला कौन कहना पड़ेगा, इस वक्त कौन है। ऐसी मशीनरी जो चारों छाने चीज पड़ी है, सब इंटैक्ट है, हर एक चीज वैसी मौजूद है, मगर चलाने वाला गायब, वो इसमें अब है। उसको जानना है और किस आधार पर ये जिस्म में कायम है, वो निकल जाने वाला, उसको जानना, बस ये है जिंदगी का राज जिसको हमने हल करना। जिन्होंने हल किया, बड़ा खोल खोल कर समझाया है, जो उनसे मिले उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन दे गए, कहने सुनने की बातें और इन्फ्लुएंस निकाल कर देखना कुछ और बात है, एक डिमॉन्स्ट्रेशन देना कुछ और। तो इसलिए कहते संतों की शहादत को सुनो, सुन संतन की साची साखी, सो बोले जो पेठे आखे। संतों की शहादत को सुनो वो सच्ची है, नालों की सुनो न फालों की सुनो न ग्रंथकारों की सुनो। बयान करते हैं जो उन्होंने देखा, देखे बयान, देखने का मत एक। जो कुछ महापुरुषों ने आज तक बयान किया वो हमारे हजरत इंसान का रोना है, जिसको इतना अशरफ मखलूक का कहा गया है, परमात्मा के बाद दूसरा दर्जे उसको माना गया, बाद खुदा तो ये किस्सा मुख्तर। उन्होंने इस राज जिंदगी को चलाने वाले को जाना, जिसके आधार में वो इसमें कायम है उसको जाना, जो उनको मिले उनको इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन दे। बस वो चलाने वाले की क्या अनुभव हो सकता है, इस बात का जिक्र करते हैं। अगर उन रेफरेंसेस को जानना हो जो बाइबल में चीजें दी गई हैं, उसका जवाब पूछना हो तो बाइबल से पूछो। गुरु ग्रंथ साहब में जो बातें बयान की हैं उनका गुरु ग्रंथ साहब से पूछो, तब तो राइट सही माने समझ आएंगे। अगर इंटेलेक्चुअल लेवल पर समझोगे कोई कुछ कहेगा, कुछ कुछ कहेगा। लोग गिरते मर जाते हैं, पाठ होता रहता है, कोई समझ नहीं। पाठ होता है, गिरता है, वो कौन सा सुनना है भाई। और सुनने की तारीफ मैंने यही अर्ज किया, अगर पूछा हो तो गुरु ग्रंथ साहब से पूछो, महाराज बताओ, और उसने बताया। यही पढ़िए चार जो है सुनिए की, वहां पर थोड़ा उसको वादे करके निकल गया। दिया नाव सुनिए, यही पढ़िए नाव सुनिए करके कहा, बाहर का सुनना नहीं था। बाहर के सुनने से होश आती है, जो क्लैरिटी है जिनकी, जो देखकर बयान करते उनके बयान में बड़ी वजाहत है, क्लियर कट है, क्लैरिटी है। जो सुनकर पढ़कर बयान करके सुने वो बातें वो कुछ हो। तो सुनना कौन है, सुनने के लिए तारीफ दी है, नाव सुनिए। और यही चार पौड़ियों गुरु ग्रंथ साहब बाकायदा रिपीट की। तो नाव किसको कहते, इसकी तारीफ महापुरुषों ने किया, गुरु ग्रंथ साहब किए। नानक नावे के सब कुछ वश है पूरे भागों का, वो नाव जो है वो कंट्रोलिंग पावर है, सब उसके कंट्रोल में चीज जा रहे हैं। हमारी आत्मा को भी जिसम में कायम रख रहे हैं, सारे ब्रह्मांडों ब्रह्मांडों के किले संयम में ले जा रहे, एक दूसरे से टकराते रहे, उसको नाम कर। वो अनाम है, जब इजहार में आया है उसको नाम कहते हैं, नामे ही थे सब जो, वो कंट्रोलिंग पावर है। अब वो सुनने की क्या तारीफ है, उसमें फेजेज हैं दो, बात समझने वाले।
जब परमात्मा ने चाहा मैं एक से अनेक हो जाऊं, जब वाइब्रेशन एलोर हुई, एलोर में दो चीजें बनी, एक लाइट एक साउंड, दोनों एक ही चीज है वाइब्रेशन का जो। तो साउंड प्रिंसिपल कहो, नाद कहो, म्यूजिक ऑफ दी स्फीयर्स कहो, उसका एक उसको सुनने से सुन पाइए गड बड़े लफ्ज क्लियर, उसको सुनने से प्रभु के साथ हमारी गांठ बढ़ जाती। परमात्मा जब इधार में आया उसके दो फेज बने, एक लाइट एक साउंड, साउंड के सुनने से गांठ बढ़ जाती। जैसे जहां से साउंड की शुरू पास वो सुनने की तारीफ गुरु गुरु साहब में आई। अफरे और जम मारिया न जाए गुरु के शब्द निर्णय, शब्द और नाम एक ही मानो में बरता। शब्द किसको कहते उत्पत्त पल्ला है, शब्द होगा शब्द ही फिर होगा उत्पत्ति और पल्ले जिस ताकत के आधार पर होती है, दोबारा सृष्टि का आगाज जिस आधार पर होता है उसको शब्द है। तो क्या कहते हैं कि उत्पत्त नाम कहो शब्द कहो तो उसके अपने और जम मारा न जाए गुरु के शब्द, वो गुरु द्वारे मिलता। नाई क्या हुआ नाव सुने थे दूर भागे मत मारे खड़े, उस ध्वनि को सुनकर यमराज भाग जाता। सुनिए पोह न सके काल बानी को सुन, मौत स्वर से नहीं करती, वो कॉन्शियस एंटिटी कॉन्शियस लहर है एक, हमारी आत्म उसकी जाप है जो से मिलती है। नेगेटिव पावर क्या करे, ये जिसम जिसमानी से वो अनफेक्टेड। तो सुनिए कि मैं वही अर्थ कहता हूँ, किसी बानी को समझ ना हो गुरु का लफ्ज है, बानी से पूछो नाम का लफ्ज है, बानी से पूछो वर्ड का पूछे तो बाइबल से पूछो। दाय वर्ड इज ए लैंप अनटु माय फीट, क्या ना ये तो वर्ड कैसा है कि लाइक क्विक सिल्वर जो हड्डी और चमड़ अलग कर देता आत्मा को, क्विक सिल्वर। तो यही मैं कर रहा था, वाणियों को खोजो। मैं जब वेस्ट में गया मैंने गुप्ता वे लुक टू योर स्क्रिप्चर्स, व्हाट यू वांट टू नो लुक इनटू योर स्क्रिप्चर्स, उसका जवाब है मर किस को पता है जो जानता है साइंस को, बाकी दिस इज ट्रुथ हैंडेड डाउन फ्रॉम पोस्टेरिटी पोस्टेरिटी क्वाइट क्या के कवर्ड बस रची के फकीर बन जाते। तो नाम के सुनने से यमराज निरोगी होते, सुनना हुआ बाहर का सुनना पहला कदम। महापुरुष बानी सुन रहे वो चाहती है क्या है चीज, अब उसकी जब तक डिमॉन्स्ट्रेशन ना हो काम नहीं। तो हमारे मन जन्म पाया है इसी में हम इसको अनुभव कर सकते हैं। जिन्होंने किया उनकी सोबत तो बैठो बातें की डिमॉन्स्ट्रेशन मिलेगी या नहीं विथ यू क्लियर टू यू, जब तक वो नहीं मिलेगी मामला क्लियर नहीं होगा। तो अब सवाल हमारे सामने क्या है, मानव जन्म मिला है, रोज देखे लोग मरते हैं, कोई पैदा होते हैं, कोई छोटी उम्र मरता है, कोई जवानी में मर जाता है, कोई बड़े पे मर जाता है, कोई घिर घिर कर मरता है, कोई हंसता हंसता जाता है, ये आखिर है क्या, कैसे पॉसिबिलिटी है इसकी। मानव जन्म लोग कहते हैं पैदा हुए थे दुनिया हंस रही थी आने वाला रो रहा था, भाई ऐसा जियो कि तुम जाओ हंसते और दुनिया तुमको रोए, तब तो वही बात। मानव जन्म जीत गया, बाजी जीत गया, मानव जन्म मिल गया, इसमें तुम उससे कांटेक्ट में आ गए तो घर की राह ले। या मानव जन्म पाने के दो फेज हैं, एक पीछे कर्म एवोल्यूशन जो है प्रारंभ कर्मों की लेना देना उसको वाइंड खत्म, कुछ इसे निभाओ, नए बीज न डालो, घर की राह लो। और घर की राह लेने से सुन पाइए घंटा, उसमें लाइट भी होती है, अंतर ज्योत निरंतर बनी साथ ही लाइट, ये हरा दे जिंदगी। किसी समाज में रहो बेसिक तारीफ
जो जो महापुरुष जिस समाज में है उनकी टीचों से देखो वो इसी बात की रेफरेंस देते हैं। पर हम इन लोगों की कमी होने के सबब से ये चीजें एटोम निकल कर बात, कोई महापुरुष जो है कोई नई चीज पेश नहीं करता, ट्रुथ इज वन, कई चीजों से पेश समझे समझाने की करता है, मगर क्लैरिटी नहीं होती जब तक उसका एक्सपीरियंस न हो। जब लगना देखू अपनी नानी तब लगना पति न कर, बात समझे। अब महापुरुषों से पूछेंगे ये दुनिया क्या कर रही, हम किस रंग में जा रहे हैं, इसका क्या इलाज है, तो सब महापुरुषों की एक ही तालीम रही, राइज अबाउ इजम। महापुरुष साक्षी बोल दे सांझी सगल जहान, महापुरुष शिक्षा देते सबको एक जैसे, अरे मैन समाजों में जिन्हें मैन की मिश्र को हल किया है उसों की जबानदारी में पेश कर गए, जो मिले उनको डिमांस्ट्रेशन दे, चीजें वही है, सिर्फ उसकी डिमांस्ट्रेशन की जरूरत उसको पाना वो कहाँ है, वो इस श्री रूपी मंदिर में बसा। एकाश संगत इकट ग्रह बसते मिल बात न करते भाई, एक ही संगत में दो भाई रह रहे हैं आत्मा और परमात्मा, मगर अफसोस आपसे बात नहीं, क्यों नहीं करते कि जिसने बात करनी है वो बाहर भटक रहा है, बस फर्क। अगर वो अपने आप में जाग उठे हट जाए बारे से अपने आप को जानने कह दो तो देखो वो भी इसी में चंद्र, वो जिसको तू ढूंढना चाहता है वो तुम्हारे अंतर में, तू दर बदर फिर रहा है तुम पोची में, उसमें इसी बातों का जिक्र है। अब जब तक उसकी डिमांस्ट्रेशन ना हो क्लैरिटी होती है, तो ऐसे महापुरुष की क्या निशानी है भाई रे, कोई सतगुरु संत कहावा है नैनो अलख, कोई भी जो अपने आप को संत और सदगुरु करवाता वो आंख बनाए जो इंद्रियों के लेवल से ऊपर वो चीज का नहीं होगा, वहां से एबीसी शुरू होगी, दैट नॉट द एंड ऑल। अपने आप को जानने के लिए सेल्फ एनालिसिस करके इंद्रियों का घर राइज अबव करके चिकरों को तय करके, खैर प्राणायाम से करे या हमसे दम से करे या कुंभक से करके ऊपर आके अपने आप को जाने से आगे एबीसी शुरू होते, वेन वर्ल्ड फिलॉसफी देयर रिलीजन स्टार्ट, जहां दुनिया के सिर से खत्म होते हैं वहां से एबीसी शुरू होती, दैट नॉट एंड ऑफ। और अपने आप को सेल्फ एनालिसिस जानने के लिए सैकड़े बस लोगों ने, इसमें नेचुरल कॉज कौन है, किसी में जिस को मजबूत करने के लिए हठ योग है, आयु को बढ़ाने के लिए प्राण योग है, उसको जानने के लिए हाइपोथेसिस बनाना ये भक्ति योग है, और ज्ञान योग ड्राइंग इन्फ्लुएंस द इंटेलेक्चुअल जायंट्स का काम है। एवरेज आदमी क्या करे, बच्चा बूढ़ा जवाब क्या करे, तो संतों ने मार्ग सूत्र योग नेचुरल योग पेश किया, पेश नहीं किया उसकी दिमाग से वेरी फर्स्ट दे देते हैं, जिसकी वो कहते हैं योगी जन नीचे चक्र छह चक्रों को तय करके जब आ गया चक्र पे आता फिर आना हमको पकड़ो फैसला, पहले छह चक्र तय करे तो उसको पकड़ो, पहले दिन नहीं पकड़ाते, छह चक्रों तय करने के लिए कई मुसीबतें धारण करनी पड़ती, सैकड़ों बस लोग लगाते, वो पहले दिन तुमको पूंजी दे कितना भारी कर सकते, ये किसकी मेहरबानी, गुरु नानक और कबीर टू मीट विद द टाइम्स, आर यू नहीं रही अरे एंटे वी आर नॉट फिट, तो पहले देकर फिर अच्छा भी चलो साथ सपोर्ट करते हैं हेर एंड ऑफ टू। तो साधु संत किसको कहते हैं जो मरकर भी दे मंत्र के बाद भी गाइड करे, गो एंड फाइंड आउट। आखिर जो संतों की तारीफ है मैं यही अर्ज करता हूं किसी का राइट इंटरप्रिटेशन लेने के लिए गो टू योर स्क्रिप्ट, नानक कचड़िया संग तोड़ ढोल सज्जन संत पकिया ए जिविंदे बिछड़े मैं जा सकते, उसे क्या माने यहां भी आया, चलो भाई तुम्हारे साथ सुनते रहो, अगर आंखें भी तो बैठ हो तब तो हो ना स्वाद, जाने वाले को भी स्वाद आ गया, मेरा एक खुशी है जो मरकर भी नहीं छोड़ता, जीते जी भी साथ समझे, ये गुरबानी नहीं सारे महापुरुषों ने कही,
दामने ओ गीर ऐ यारे दरे ऐ बहादुर पुरुष किसी छोटे के दामन को पकड़ को मुनजा बाचे दस बारह दे दोनों से बात यहाँ भी कर आगे भी साथ सब दुनिया को देगा वो तो मैं तेरे साथ हूँ। वो किसको कहते हैं जिस पर वो परमात्मा पल लिखता है ह्यूमन फॉर्म गुरु में आप समोए समझता वर्ल्ड मेड फ्लैश वही कर सकते। तो राजे डेंगू का हल करने के लिए उनकी शोभ की जरूरत है। जिन्होंने राजे डेंगू को हल किया उसकी बीमार से करेगा हो जाएगा मरकर होगा कि नहीं होगा क्या सबूत है। तो संतों का सौदा न करना जो क्रेडिट पर रहने थे उनको मुबारक रहे बात है। तो बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश। जो जीते जी पंडित है मरकर भी पंडित है जो जीते जी अनपढ़ है मरकर अनपढ़ बात समझो। अब किस हालत में हम जा रहे हैं महापुरुष जानते पुरुष हैं वो क्या कहते हैं और से सुनो भूल जाओ दुनिया को फरे भाई हमारे रोना रोएंगे और खोल खोल कर समझाएंगे इज अबाउट योर हेयर कान है तो सुनो आंख है तो देखो नहीं तो वक्त जाया करो। राग सुई महला पांचवा गौर से सुनिए का सतगुर सुन बावरे कुकाए देख भुलाना सुन बावरे ने पूरा लायो कुसुंब रंगाना। आपको पता है क्या एड्रेस करते हैं बावरा जिसकी अकल बदली गई हो वो ठिकाने लो सही को गलत देख रहा हो गलत को सही देख रहा हो राइट अंडरस्टैंडिंग क्या है ये जिसम चंद्र होगा डस्ट द हार्ट एंटर टू डस्ट रिटर्न वेरी डेफ इस पर जो लेबल लगाए इसी साथ रह जाए इनकी शोभा है। जो आए सब गए बड़े बड़े वली अवतार भी आए महापुरुष भी आए शरीर लिया और छोड़ गए और ये गाने भाइयों सबको आई बारी है पैकअप बी रेडी जैसे रैन प्राहुण उत्तर से प्रभाव सब तुम बैठे पहली बार डस्ट द अर्थ एंड अनटू डस्ट रिटर्न जिस पर तू इतना मान कर ये मिट्टी का देख मिट्टी में मिला दिया वेयर यू आर समझे जो कुछ तुम देख रहे हो दूसरी तो क्या कहते हैं कुसुम का रंग होता है जो चंद्रोदय रहता उड़ जाता जो देख रहे हैं जो सुन रहे हैं जो फील कर रहे हैं एवरीथिंग इज चेंज जिसे बदल रहा हूं संसार के सारे सिलसिले बदल रहे हैं कोई एड्रेस नहीं चेंजिंग पैनोरामा ऑफ लाइफ है। हम इस भूल में पड़े हैं कि जिस्म का रूप बन रहा है जिससे ये मशीनी चल रही थी उसको नहीं जाना हम इसके चलाने वाले जिस्म के जरे जरे बदल रहे हैं जगत के जरे जरे बदल रहे हैं। जब जो चीजें एक ही रफ्तार से बदल रही हो तो वो सही मालूम होती है खड़ी इसको कहते हैं माया इसको कहते हैं भूल। ये कहां से शुरू होती है शरीर मूल है माया हम देहधारी हैं देह का लेवल रूप बन रहे हैं देह के लेवल से देख रहे हैं सारा जगत बन रहा है ये भी बदला मरवादा चरण जो आत्मा है वो वजारा हमारा वो कभी नहीं बढ़ती वो ऑल विजडम है अकल कुल है वो आनंदमय है। अब रोज देखे हैं जिसे हम अपने कन्नों पर उठाए हैं शमशान भूमि में पहुंचाए हैं हाथों से दाग दिए गए मैं यकीन तो नहीं आता हमने स्मरते क्यों आत्म की झलक इसमें बेवकूफ से बेवकूफ से पूछो कहते मेरे जैसा क्रमण को क्यों ना वो झलक है और हर कोई आनंद चाहता जिस्म का रूप बन गया जो जिस्म के रूप बनने में भूल में पड़ गया ये शरीर मूल है। अब जब तक जिस्म जिस्मानी से ऊपर ना आए भूल से कैसे निकले बाहर कर्मों रिएक्शन से प्रारंभ कर्मों के अनुसार दुख सुख फॉलो ईच अदर दुख सुख दोवे कपड़े पहरे जाए मुझे
जो इसको छोड़ना सीख जाए, जिसको योगियों ने सैकड़ों वर्ष लगाए हैं, किसी महापुरुष की कृपा से थोड़ी डिमांड श्रेष्ठ मिल जाए और रोज गुरुमुख आवे जाए निशान, तो आगे मंजिल शुरू होती है। इट इज नॉट एंड ऑल। तो कहते हैं बौरे इंसान, क्या कहते हैं, तू क्यों देखकर भूल रहा है एवरीथिंग से, नो परमानेंस। ये कुसुम का रंग है, ये होता है जो भूल में जा रहा, किसको एड्रेस किया, टू ऑल मैन गाइड, कौन कर रहा है जो किनारे खड़ा, किनको कह रहा है जिनके लिए उसका प्यार है। अब बच्चों भूल में न जाओ, जितने दोष में किन्ने डर भरे लफ्ज, प्यार भरे के लफ्ज, ये उनको समझाने के लिए ये आखिर उसी की है ना, जो गॉड इन मैन हो सो परमात्मा को हो दर्द है सबका, हम सब उसके बच्चे हैं, क्यों भूल में जा रहे, इसमें कितना दर्द है मानी, कितना मोहब्बत है आत्मा उसकी जात से हक है, ये भी प्रेम का स्वरूप है। इसका खासा कहीं ना कहीं लगा रहे, अल मोमन लाबुदी मिन्नुल महबूब, मोमन के लिए लाजमी है कि उसका कोई प्रीतम हो। आत्मा का प्रीतम बनना था परमात्मा ने, बना बैठे दुनिया को, ये चेंजिंग पैनोरमा है, एक रस रहती है कभी जुड़े सुखी हुए जब उखड़े सुखी हो गए, तो जो हमेशा के सुख को चाहे उसको प्रीतम बनाना चाहिए, कौन जो कभी न मरे, ना मरे न हो सो, जो सुख को चाहे सदा क्षण राम की दे, बाकी लेना देना कोई स्त्री पुरुष कोई लड़का कोई लड़की को भाई और भाई खुशी से देना, नए भोग से नए बीज न डालो, चलो घर की डालो महापुरुषों, तो ये चल बच्चे क्यों बौर, क्यों भूल में जाए, क्यों बौरा हो रहा, क्यों भटक रहा, तूने जहां प्रेम लगाना था वहां नहीं लगा बैठा दुनिया, इसे बार बार वहां हो रहा। हम कभी प्रभु की गोद में थे, जब से आए अभी तक वापस नहीं गए, बस अगर उसकी आप डिमोन्स्ट्रेशन सुन सुन पाइए, गंड उसका प्यार बन जाए, वो ज्यादा रस है, जो सुख को चाहे सदा शरणम दे, मिठे बन फीका त्यागरी से खेलना महारत, बाहर चीजों में हमें रस मालूम होता, वो उन चीजों में रस नहीं है, हमारे अंतर हम आनंद में है, जिन्हें देर जुड़े रहते हैं आनंद मालूम होता है जब व्हाट्सएप डुके हो। मिसाल के तौर पर आप तमाशा देख रहे हैं, बड़े मैं हो सब, एक आदमी के घर से तुम्हारे घर में आग लग गई, बाकी तो तमाशा देख रहे, वो बेचारा भागता, तमाशा वैसे ही होगा, उसे कोई चेंज नहीं, इसकी देखने वाली जो वो टूट गई। यहां दुनिया का दुख सुख दो कपड़े पहरे जाए, ये जाने वाली चीज है प्लेजर्स, और ये दुख जो है दे फॉलो ही कर, ना हमेशा सुख ना दुख, प्रारंभ कर्मों के अनुसार और यहाँ के जो किरे मन करें इनका भी, जैसे माल कार कोर्स होती हैं और प्रीवी कोर्स होती हैं, ऐसे ही कुछ यहाँ के कर्म भी रिएक्शन ले आते, ऐ भाई ऐ बौरे इंसान तू क्यों भूल, ये रंग दुनिया का एक रंग ना रहा ना रह सकता है, क्यों इसे नहीं लगा बैठा। गुरु नानक तो बड़ा है, श्री आसन दीवार में रोज हम पढ़ते हैं, कुल राजा कूड़ पर जा, कूड़ मैंने फना कर देना एक रखना, और राजा महाराज दुनिया ये सब डिटेल में बयान करते हैं, आखिर क्या करते हैं, कूड़ कूड़े ने लगा विसरिया करता, किस नाल चीजें दोस्ती सब जग कर, इसी चीज में भूल जाते हैं, सब दुखों का बुनियाद बन जाते, जिन्नी चलन जानिया सो क्यों करें विसार, ये याद रखो, प्यास लगने पर कुआ नहीं खोदा जाता, अगर पहले अंगला विजन उसका अनुभव हो तो ये दुनिया से निषेवता कभी पीछी नहीं, छोड़ना कुछ नहीं, कांटों से दुनिया भरी है, पांव में मजबूत पूछता है वो क्या है, सोतवत अखरोट कच्चा है, बादाम कच्चा है, सुई मारो आर पार हो जाएगी, अगर पक जाए तो क्या होती आर पार, जो राय जमा करके अपने आप जैसे आदमी जो चलाने वाला मैं हूं और उसका अनुभव लिव करता है, नॉट इन एज ए मैटर ऑफ इंफ्लुएंस और फीलिंग्स, दुनिया में देखे भाव खुश हुआ, ऑलराइट गो ऑन,
खुशी खुशी भेजता सबको। हम क्या भेजते हैं लोगों खुशी भूल में है। दुनिया जिसकी कीमत कौड़ी वर्गी नहीं, आधी कौड़ी नहीं, उसमें तू भूल रहा। ये मजीठे का रंग है, एक रस नहीं रहेगा, उतर जाएगा। पक्का रंग किसमें है? उस परमात्मा का रंग है। जो हम दुनिया का रंग दे रहे हैं, जो आत्मा परमात्मा का रंग ले, वो रंग कभी नहीं। दुनिया के नशे नींबू का रस और चीजें खिटासे उतर जाएंगे, वो कभी चढ़ा हुआ रंग नहीं होते। वो पक्का रंग समझ, वो है परिपूर्ण परमात्मा। आत्मा उसका रंग लेता है। पिता पूत के रंग लिए, वेरी क्लियर, किन्ने क्लियर है। इंसान तो किस भूल में जाए, इसकी क्या चिंता कर। एक था बादशाह, उसका एक था गुरु फकीर पीर था। उसको बड़ा मान, मैं बड़ा राजा, मेरे अंतर इतने लश्कर, मैं इतना। एक दिन उसके गुरु ने कहा, भाई तेरी तो कोई चीज क्या रहेगा, तू सुनना चाहता है तेरी क्या कीमत अपने कानों में। कह रहे महाराज आप क्या कहते हो, मेरे शहर पर सारा मुल्क चलता। कह रहे बहुत अच्छा, ऐसा करो कुछ मुद्दत, कुछ देर के लिए मेरा कहना मान लो, तुम बेहस होकर पड़ जाओ, फिर मैं तुमको सुना तुम्हारी कीमत क्या। वो बेहस होकर पड़ के उसे लाते गले में डाल ली, प्यार में चले, लो भाई बादशाह की लो, कितने पैसे पड़ गए। सोने तो मार पीर साहब ने मार दिया बादशाह को, जो सुने भागता है। एक रुपए पर आठ आना, चार आना, कौन सुने, सब भागते चले गए। आखिर आने पर आ गए, दो पैसे पर आ गए, एक पैसे पर आ गए, कौड़ी पर आ गए, आती कौड़ी कौन ले, सब भागे चले जाते। वापस आए, क्यों बादशाह सुनते मेरी कीमत क्या, जिसम की क्या कीमत। जिसम की कीमत मैंने आज ये कहा, शिव की कीमत मोती से है, जिसम की कीमत हम से है, जिसने अपने आप को नहीं जाना। और प्रभु का रंग नहीं लिया वो तो रोता रहा, रोते रहेगा, सारी दुनिया दुख से भरी उसके। जिसने इसको जान लिया वो सुखी। कहती इसकी आधी कौड़ी कीमत नहीं, जिसको तो इतना नाश कर। वो काया कौन सी बायक तो रंग रूप बनाता, कौन काया अति सुंदर है, काया कामर अथ सवाल हो, पेड़ वसे जिसे बनाता। आत्मा का पेड़ कौन, परमात्मा। जो उसका रंग ले लिया वो सुखी, बाकी नहीं। तनी विहुणा पाठ पटम्बर भाई के पीछे दुनिया की मिसाल भी देती है, प्रभु की भी देती है। जो स्त्री रेशमी कपड़े हो और पति के पास न हो, कभी आग में जला देने, थोड़ी बिच लुडंदनी सोहान नानक कहते। ये वो साथ हो मिट्टी में सोना तो भी। वो कहने 12 वर्ष पंजाबी में मिसाल है, 12 उजाड़ हो, 12 वर्ष हो, ये बार हो, पति नाल हो तो वो सुखी, बाकी किसके होगा। तो आत्मा का पति परमात्मा, जैसा दुनिया की जिस्म की कीमत पति से है शोभा, ऐसी आत्मा की उसकी है जो प्रभु से जुड़ी बैठे, वही अति सुंदर है। बाकी सब होश में आए तुम्हारी क्या कीमत, और जिस्म से लेवल उसकी तो आज की खड़ी कीमत है। आज घड़ी कौन है राकर काटते देख रहा, काटो का चलो भाई। तो मानव जन बड़े भागों से मिला है, इसी में हमने सराज जिंदगी को हल कर लिया, देखना यह कर लिया, हाउ वी लिव। तो ये है, दे आर वेरी गुड ऑब्जर्वर। संत जो होते हैं ना विषय, वो बड़े अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं कि दुनिया क्या कर रही। कहते हैं अगर उसके महारस को पा जाए, शब्द और नाम एक ही मानव में बढ़ता है, जिससे शब्द महारस मीठा, उसमें महारस है, जैसे नाम का महारस शब्द में भी कहा। कहते जो उस रंग में रह गया तो लाल गुलाल हो जाएगा। जब आदमी खुद छुट्टी रुपये टैक आ जाती है, जब आत्मा को रंग बने उसकी आंखें टैक जाती, वो काया अति सुंदर है जिसमें वो प्रगट हो, नहीं तो क्या बाहर के टॉयलेट कब तक काम करेंगे। भाव करना रात बढ़ता सुबह उतर गया, सुबह बढ़ता दिन को उतर गया। जो आत्मा का रंग चढ़ता है जितना सुबह उतरे ना रात को, बाहर के नशे थोड़ी देर के नशा देंगे
फिर उतर जाएंगे। और जो नाम का महारस है, नाम खुमारी नाम का चढ़ी रहे निर्नाम। ये खुमार कब चढ़ेगा? जब हमारी आत्मा परिपूर्ण परमात्मा का रंग ले। वो रंग कभी उतरे, वो ऐसा रंग जिस और कोई और रंग नहीं उतरता। वो कहां पर है आगे व्यार करें, वो हमारा जीवन आ रहा है। किन को उपदेश है? टू ऑल मैन पाई, यहां कौन सी मदद? महापुरुष साखी बोल दे साझी छो जहां वो पढ़ा पढ़ाया सुना सुना नहीं बयान करते, वो देखकर बयान करते हैं, उसकी डिमांस्ट्रेशन देते हैं। जो देर से थे उनका नाम साधु संतोष महात्मा। प्यारे भाई और बहनों, हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम सबको परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के वचन सुनने को मिले। संत कृपाल सिंह जी महाराज बार 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 हम सबको यही समझाया करते थे कि हम एक बने, नेक बने, एक ही का रास्ता इख्तियार करें और नेकी की ज़िंदगी जिएं। आप सब थोड़ी देर के लिए अभ्यास के लिए बैठ जाएं और मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हुए महापुरुष हमारी ज़िंदगी में लाएं और हमें प्रभु की ज्योत के दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊँगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, मेरी आप सबके लिए यही प्रार्थना है कि आप सुखी रहें, आपके परिवार सुखी रहें और आपकी तरक्की प्रभु की ओर तेज़ी से बढ़ती चली जाए।